आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन सीखेंगे, इवोल्यूशन के बारे में एक समरी लेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी से और बाहर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में नोट्स लीजिएगा। और हम इस चैप्टर में कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, ह्यूमन इवोल्यूशन और कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहले पॉइंट में हम सारी थ्योरीज जैसे कि स्पेशल क्रिएशन, केमिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये सारी थ्योरीज को देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम होमोलोगस ऑर्गन, फॉसिल्स, एनालोगस ऑर्गन, जो कि सारे टॉपिक्स जिससे हमें एवोल्यूशन के एविडेंसेस मिलते हैं उनको देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी, इन सबको देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो कि एक किसी भी पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, उसके कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को। और एट लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए थ्योरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की। तो ऐसा हमने प्रिडिक्ट किया है कि इवोल्यूशन जो है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो उसका इवोल्यूशन हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ। और जो बेस्ट थ्योरी है जो यूनिवर्स के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है वो है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो पूरा यूनिवर्स है वो एक छोटे से फिजिकल एक्सप्लोजन, काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन की वजह से इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे अभी हम कोशिश करते हैं रिएक्शन करने की, ऐसा क्रिएट करने की, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। इसलिए ये माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी इट मीन्स कि एक अनइमेजिनेबल एक्सपेंशन की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए दूसरा टर्म लिखा है मैंने, सोलर नेब्यूला। अब जैसे कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ तो फिर जो काफ़ी सारी गैसेस थी यूनिवर्स में वो आपस में आके कंडेंस हुई और वो क्लाउड का फॉर्मेशन करने लगे, बड़े से क्लाउड का। तो उस क्लाउड को हमने बोला सोलर नेब्यूला। तो ये टर्म सिर्फ इस बात के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर सोलर सिस्टम के इवोल्यूशन की बात की जाएगी तो ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, सोलर नेब्यूला। अब ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने प्रेडिक्ट किया है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। और यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि जो गैसेस थी यूनिवर्स में वो कंडेंस हुई, तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी थे, जो जब वो कंडेंस हुए तो वो उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही कंडेंस होके आपस में एग्रीगेट मास बना पाए। तो जो अर्थ है, जैसे क्रस्ट, मेंटल और सबसे मिडल कोर, तो यहां से हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोर होती है वो निकल और आयरन की लेयर होती है। इसमें जो एलिमेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा वो निकल और आयरन होगा, इसीलिए इसे नाइफ लेयर भी बोला जाता है। क्रस्ट और मेंटल में भी काफी सारे एलिमेंट आकर एग्रीगेट हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो सबसे बाहर सबसे कम डेंस और सबसे अंदर सबसे ज्यादा डेंस एलिमेंट भरे हुए हैं, उनका ज्यादा अमाउंट है। तो ये यहां से इंपॉर्टेंट है और ये याद रखेंगे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। फिर बात करते हैं लाइफ का ओरिजिन कितने टाइम पहले हुआ होगा। तो लाइफ का ओरिजिन हुआ है लगभग 500 मिलियन ईयर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। अब देखते हैं कि थ्योरीज क्या क्या थी। जैसे पहली थ्योरी हमारे सामने आई स्पेशल क्रिएशन। अब स्पेशल क्रिएशन ये थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइफ है, जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी प्लांट, एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, ये सब सुपर नेचुरल गॉड पावर से क्रिएट हुआ है। जैसे कि हमारी हिंदू माइथोलॉजी में मनु और श्रद्धा से सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन हुआ। उसी तरीके से एडम और ईव की बात करते हैं, तो ये थ्योरी जो है स्पेशल क्रिएशन की, ये सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में बात करती है। अब इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे,
उन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्पेशल क्रिएशन ये कहती थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एज सच, इट मींस कि जैसे पहले थे वैसे ही अभी हैं, मतलब जैसे अभी हैं वैसे ही पहले थे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी जो थी वो सेम थी। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर लॉयन आज जैसा हम देखते हैं वो लॉयन तब भी था जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। और सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि एक जगह में जितनी डाइवर्सिटी आप देख रहे हो पूरी अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है वो ओरिजिन के टाइम पे भी वैसी की वैसी ही थी, कोई चेंज नहीं आया है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स अगो बनी, मतलब सिर्फ 4000 पहले अर्थ का फॉर्मेशन, 4000 साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर आप अभी देखेंगे कि तो ये तीनों पॉइंट ही बेकार है। जैसे डार्विन के एक्सपेरिमेंट थे, डार्विन की डिस्कवरीज थी, उन्होंने इसको एकदम से इस थ्योरी को रेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया, इसका कोई वजूद नहीं रहा। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के काफी सारे समर्थक थे जैसे अरहेनियस, प्लेटो और बाकी सारे एम्पेडोसील, ये सारे साइंटिस्ट जो थे वो इसके फेवर में थे। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ये कहती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो क्रिएशन हुआ है वो नॉन लिविंग से हुआ है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग इज कॉल्ड थ्योरी ए बायोजेनेसिस, जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी ने बताया। तो एक और बात हम ध्यान देते हैं कि स्पेशल क्रिएशन में जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो आप याद रखेंगे, फादर सॉरेज, तो ये इनका नाम पूछ लिया जाता है, तो आप इसको थोड़ा याद रख लेंगे। तो हम थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे कि नॉन लिविंग से लिविंग का प्रोडक्शन। ये कहते थे कि नदी में से जो नील नदी है उसमें से फ्रॉग एज इट इज निकला, या फिर आप किसी गीली शर्ट में कोई ऐसे ही कोई वीट या कोई भी और ग्रेन डाल दोगे तो वहां से रेट प्रोड्यूस होंगे, ऐसी बहुत तरह तरह की बातें थी। लेकिन ये सब गलत था, और इस सब को डिसप्रूव किसने किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि तीन साइंटिस्ट ने दी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। उनमें तीन में थे रेडी, फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लांजानी और लुईस पास्चर। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे लुईस पास्चर। इन्होंने ये इस बात को एकदम से खत्म कर दिया, डिसप्रूव कर दिया कि नॉन लिविंग से कभी लिविंग प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते, अगर कोई लाइफ अपीयर होगी तो वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इट मींस कि अभी जितनी थ्योरी थी उन्होंने किसी ने भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, वो अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे कि एज ये स्पेशल क्रिएशन ने कहा कि लाइफ एज इट इज थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने कहा उनका प्रोडक्शन नॉन लिविंग से हुआ है, लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से ये डिस्प्रूव हो गया कि नॉन लिविंग चीजों से लिविंग नहीं बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। अब इनके एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको उनकी समरी बताता हूँ कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लास्क लिए और उनको उन्होंने स्टेरलाइज किया जिससे कि उसके अंदर की लाइफ जो है वो खत्म हो जाए, फिर उन्होंने उसको सील करके रख दिया, तब काफी दिनों बाद तक भी उसमें कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सील को अनलॉक किया और फिर उसे थोड़े दिन के लिए छोड़ा तो उसमें काफी सारी लाइफ आ गई। तो इन्होंने ये इन्फ्रेंस दिया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, इट मींस कि एयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी वजह से ही उनके फ्लास्क में जो मटेरियल था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को। फिर एक थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी या पैनस्पर्मिया। अब ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आउटर स्पेस है वहां पर भी लाइफ पहले से ही है और वहां से ही कुछ स्पोर्स जो है वो अर्थ पर आए हैं और उन्हीं की वजह से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है। इस थ्योरी को हम पूरी तरह से गलत नहीं मान सकते क्योंकि हम देखते हैं कि जो इस आउटर स्पेस से जो मेटेरॉइड आते हैं उनका काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा होगा उस टाइम जो जो कंपाउंड बने होंगे
जो मेटेरोइट हैं उनमें भी सेम टाइप के कंपाउंड हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इस थ्योरी को कंप्लीटली रिफ्यूज नहीं कर सकते और ये भी कहीं ना कहीं सच हो सकती है कि आउटर स्पेस से ही लाइफ अर्थ में ओरिजिनेट हुई है। फिर एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये कहती है कि जो लाइफ है वो मान लीजिए कि एक किसी भी जगह पर पूरी लाइफ है, फिर एक फेमाइन आता है या कुछ भी डिजास्टर होता है, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से लाइफ स्टार्ट होती है। तो ये कहती है, ये थ्योरी कहती है कि कैटास्ट्रोफ की वजह से, एक बड़े बहुत बड़े डिजास्टर की वजह से पूरी लाइफ खत्म हो जाती है और फिर वहीं से एक नई लाइफ ओरिजिनेट होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि इन सभी थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि आखिरकार पहली लाइफ कब आई। कॉस्मोजोइक थ्योरी कहती है कि आउटर स्पेस की लाइफ से लाइफ आई, लेकिन आउटर स्पेस में लाइफ कैसे आई ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती है कि जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आई है, लेकिन इसने भी नहीं बताया कि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे डेवलप हुई। जो लास्ट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कीमोजेनी एंड बायोजेनी। इसे दिया ओपेरेन एंड हाल्डेन। ओपेरेन एंड हाल्डेन ये दो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी सामने रखी कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दो पार्ट में हुआ है, कि पहले केमिकल इवॉल्व हुए हैं सिंपलर से कॉम्प्लेक्स और फिर उन कॉम्प्लेक्स केमिकल से कंपाउंड से एक बायोलॉजिकल सेल का, एक बायोलॉजिकल लाइफ का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, पूरा इवोल्यूशन हुआ है। तो यही मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है और हम इसी को आगे देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ओपेरेन और हाल्डेन की थ्योरी, जो कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के केस में मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो ओपेरेन और हाल्डेन ने दी। तो इन्होंने, इनकी थ्योरी ने बेसिकली कीमोजेनी को एक्सप्लेन किया। अब कीमोजेनी मतलब केमिकल इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब सिंपल कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इन एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने, इनको, इनकी स्टडी करेंगे हम कीमोजेनी में। और जब ये बन रहे थे तो उस टाइम अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट की तरह नहीं था, ऑब्वियसली हो ही नहीं सकता क्योंकि इस टाइप के कंपाउंड्स तब बन रहे थे, उस टाइम केमिकल इवोल्यूशन होना था। तो एक बार देखते हैं अर्ली एटमॉस्फेयर अर्थ पे कैसा था। तो हाई टेम्परेचर, मतलब उस टाइम जो अर्थ थी वो एक गैस चैम्बर की तरह थी जहां पे उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था। वहां पर काफी सारे वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, काफी सारे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, मोल्टन लावा निकल रहा था। तीसरा, रिड्यूसिंग नेचर था, मतलब उस टाइम फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी जिससे कि वो बाकी किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर पाए। तो उस टाइम हाइड्रोजन ही प्रेजेंट थी पूरे एटमॉस्फेयर में, और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन अभी भी यूनिवर्स का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन। तो उस वक्त हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो अब देखते हैं कि उस एटमॉस्फेयर में अर्थ के, जो कि काफी रिड्यूसिंग और हाई टेम्परेचर वाला था, कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ कैसे होगा। तो अब देखिए कि जो मोल्टन लावा था उसमें से जो वॉल्केनिक स्टॉर्म्स आ रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, उसमें से जो मोल्टन लावा था उसमें क्या क्या निकला, H2 वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, ये गैसेस निकली। फिर जो वाटर वेपर थे उस पे सन की हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ने रिएक्ट किया, एक्शन किया, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। हाइड्रोजन लाइट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में चली गई और ऑक्सीजन जो थी अभी ये फ्री नहीं हुई, अभी ये ऑक्सीजन मीथेन और अमोनिया के साथ मिलके इसने वाटर और CO2 और प्रोडक्शन करना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जो ऑक्सीजन थी वो कंबाइन होके O3 ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई, और ओजोन लेयर की फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हुआ, यूवी रेडिएशन कम हुई, यूवी रेडिएशन कम हुई तो बाकी और कंपाउंड्स बने, ऑक्सीजन उन कंपाउंड्स को के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाने लगा, लेकिन फ्री ऑक्सीजन अभी भी अवेलेबल नहीं थी। तो अब क्या हुआ, जो जैसी ऑक्सीजन, जो ओजोन थी उसने यूवी रेडिएशन को रोका, तो सन से आने वाली काफी हीट जो अर्थ तक आने से रुक गई, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हुआ। जैसे टेम्परेचर स्लो डाउन हुआ तो जो वाटर वेपर की प्रेजेंट में था वो कंडेंस होकर
जो भी पिट्स थे अर्थ में उन्हें फिल करके ओशियन बनाने लगा। तो उस वक्त वो काफी एकदम हॉट डाइल्यूट सूप की तरह था कि जिसमें छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स पड़े हुए थे और एकदम गर्म काफी हाई टेम्परेचर पे वो पानी था, तो उसे बोला हॉट डाइल्यूट सूप। और ये हॉट डाइल्यूट सूप बोला किसने, ये बोला हाल्डेन ने। हाल्डेन ने उस कंडीशन के वाटर को बोला हॉट डाइल्यूट सूप। अब उसमें काफी सारे मोनोमर्स थे, मोनोमर्स ने आपस में रिएक्ट किया। मोनोमर्स कैसे थे, जैसे ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स और जैसे फैटी एसिड, ग्लिसरोल, ये सारे मोनोमर्स जो थे वो इन कंपाउंड से मिलकर बनने लगे। और फिर इन मोनोमर्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जैसे पॉलीसेकेराइड्स, आरएनए, इट मींस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह से कि अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर में सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, और यही है केमिकल इवोल्यूशन। अब 1953 में एसएल मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो कि एक फुल प्रूफ एविडेंस था इनको इनकी थ्योरी को अप्रूव करने के लिए, ये थ्योरी करेक्ट है ये बताने के लिए। इनके एपरेटस में क्या था, इन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया नियरली 800 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर क्या हुआ, ये वेपर्स जो थे H2O के, ये इस चेंबर में पहुंचे और इस चेंबर में ऑलरेडी उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, और किस रेशियो में, 2:1:2, 2:1:2, ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, इस रेशियो में इन तीनों गैसेस को इसमें रखा इस चेंबर में, और फिर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जो कि काफी हाई वोल्टेज डिस्चार्ज था। उसकी वजह से जो कंडीशन बनी वो अर्ली अर्थ की तरह बनी, जो अर्थ पे अर्ली एटमॉस्फेयर था उस जैसी कंडीशंस को क्रिएट किया गया, और ऊपर से वाटर वेपर आए। तो जब उन सबने रिएक्ट किया और फिर इस कंडेंसर के थ्रू वो कूल डाउन हुए, तो यहां पर हमें एक हॉट डाइल्यूट सूप मिला। हॉट डाइल्यूट सूप मिला जिसकी बात हाल्डेन ने की थी। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट जो हॉट डाइल्यूट सूप मिला उसमें हमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिले, वो अमाइनो एसिड्स थे ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि तीन अमाइनो एसिड इस हॉट डाइल्यूट सूप में मिले। फिर इसके बाद वन बाय वन और साइंटिस्ट ने बहुत सारे इसी तरह के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और उन्हें अलग अलग तरह के किसी को कुछ मतलब मोनोसैकेराइड्स मिले, किसी को कई प्रोटीन्स मिले, किसी को कोई और अमाइनो एसिड्स मिले, ऐसे करके ये फुल प्रूफ हो गया कि कीमोजेनी इसी तरीके से हुई होगी अर्ली एटमॉस्फेयर पे अर्थ के। तो अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोजेनी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बायोजेनी को। तो बायोजेनी बेसिकली है क्या, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग बायोमोलिक्यूल्स इन हॉट डाइल्यूट सूप। मतलब अभी तक हमने देखा कीमोजेनिक केमिकल इवोल्यूशन को, सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट से हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के बनने को डिस्कस किया, देखा कि वो कैसे बने होंगे। अब वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिलकर एक सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे क्रिएट करेंगे जिससे कि आगे लाइफ बढ़ सके, वो ही है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोजेनी। तो अब ये बायोजेनी बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि वो वाटर में हो रही है, वो हॉट डाइल्यूट सूप में हो रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर और भी ज्यादा कूल डाउन होता जा रहा है। तो अब देखिए कि एक सेल्यूलर लाइफ फॉर्म कैसी, उसके लिए तीन क्रिटिकल कंडीशन है उसे वो फुलफिल करना चाहिए। पहला कि वो सेल्फ रिप्रोड्यूस, जो कंपाउंड हो वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सके, इट मीन्स कि जो भी वो एग्रीगेट होगा या जो भी कॉम्बिनेशन कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनेगा, वो जो कंपाउंड है वो सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब खुद जैसे ही और कंपाउंड बना सके। दूसरा कि उनमें म्यूटेशन हो सके, कि उनमें वेरिएशन आ सके जिससे कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जो कंपाउंड है वो सर्वाइव कर पाए। अगर सब एक तरीके के होंगे तो हल्का सा भी कुछ भी टेम्परेचर या फिर कंडीशन चेंज होने की वजह से सबके सब एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरा है आइसोलेशन, ऐसा ना हो कि वो पूरे जो हॉट डाइल्यूट सूप है उसमें मिक्स हो और ऐसे पड़े हो, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज हो जिससे कि वो आउटर एनवायरनमेंट से अपने आप को अलग कर सके और एक मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सके विद इन द इटसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेट बने उनको हमने बोला प्रोटोबायोंट्स, लेकिन वो सेल्फ मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, मतलब अगर एक एग्रीगेट है तो वो दूसरे एग्रीगेट को बना नहीं सकता था, भले ही वो आइसोलेटेड था और उन जो उन मॉलिक्यूल्स है उनमें म्यूटेशन हो सकती थी लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। तो प्रोटोबायोंट्स को दो टाइप के प्रोटोबायोंट्स एक्सप्लेन किए गए साइंटिस्ट के जरिए। तो पहला था कोसर्वेट्स, जो पहले प्रोटोबायोंट्स डिस्कवर हुए वो थे कोसर्वेट्स, जिसे ओपेरिन ने बताया कि जो कोसर्वेट्स उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को आपस में शेक किया तो उन्हें एग्रीगेट्स मिले, उन एग्रीगेट्स को बोला कोसर्वेट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनमें वो आइसोलेटेड तो थे लेकिन उनके पास लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं थी जिससे कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। दूसरे थे माइक्रोस्फेयर्स, माइक्रोस्फेयर्स इन्हें एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट थे फॉक्स, इनमें जो क्या था हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर जो मिक्सचर था उसे कोल्ड वाटर में शेक, भले ही ये सारी ये बातें इंपॉर्टेंट ना हो, इंपॉर्टेंट है एक तो इन प्रोटोबायंट्स का नाम और कौन से साइंटिस्ट ने उनके बारे में बताया। ये जो थे इनके पास लिपिड की डबल मेम्ब्रेन थी लेकिन तब भी ये रिप्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। फिर इसीलिए अभी तक हमें जो केमिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे एक सेल्युलर लाइफ कैसे डेवलप हुई होगी उसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो जब ये प्रोटोबायोंट से आगे बढ़ बढ़ के कुछ कीमो ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन हुआ होगा, जो कि जैसे सल्फर बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया, जो कि केमिकल्स को यूज करके उनसे एनर्जी गेन करते हैं और अपना अपने आप को सर्वाइव रखते हैं, अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन हुआ। फिर हुआ फोटो ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन, फोटो ऑटोट्रॉप्स वो क्या थे कि जो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके ही अपना फूड प्रिपेयर करते थे, बट उनके साथ प्रॉब्लम थी कि वो वाटर नहीं यूज कर सकते थे और आपको पता है जब तक वाटर यूज नहीं होगा ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो H2S वो यूज करते थे और जब H2S यूज करते थे तो सल्फर ही रिलीज होती थी तो ऑक्सीजन अभी भी फ्री नहीं थी। फिर इवोल्यूशन हुआ साइनोबैक्टीरिया का, तो साइनोबैक्टीरिया जो थे वो वाटर को यूज करते थे और फिर O2 रिलीज हुई और एटमॉस्फेयर जो था वो ऑक्सीडाइजिंग हुआ और बाकी अलग अलग तरह के रिएक्शन स्टार्ट हुए एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज होने की वजह से और आगे इवोल्यूशन बढ़ा। तो अब हमें एक बात इंपॉर्टेंट करते हैं कि जो RNA है हमें पता है कि वो कैटालिटिक भी है और वो एक जेनेटिक मटेरियल भी है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के होने से कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि प्रोटोबायोंट से पहले भी जो एक अपने आप में एक यूनिट बनी होगी वो आरएनए होगी, क्योंकि वो खुद को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है और वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम भी कर सकती है और उसमें म्यूटेशंस भी पॉसिबल हैं। तो आरएनए जो है वो प्रोटोबायोंट से पहले आया होगा और प्रोटोबायोंट जैसे स्ट्रक्चर ने उसको कवर कर लिया होगा जिससे कि एक सेल्युलर लाइफ फॉर्म बनी होगी, लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया अभी भी हमें नोन नहीं है। तो ये था कि एक सेल्युलर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। तो अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नॉन सेल्युलर लाइफ फॉर्म है वो नियरली 3 बिलियन ईयर अगो प्रोड्यूस हुई, आई अपीयर हुई, और जो सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ है वो 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले डेवलप हुई, इवॉल्व हुई। तो ये था बायोजेनी के बारे में। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन।